वाला आना चाहिए ओके ठीक है। तो देखो एडिंग को डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन ऑफ फंक्शन फंक्शन ऑफ फंक्शन हेडिंग है डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन ऑफ फंक्शन ठीक है। या फिर इसको बोल सकते हो फंक्शन ऑफ फंक्शन को ही बोलते हैं हम लोग कंपोजिट फंक्शन। फंक्शन ऑफ फंक्शन को ही बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन या हम लोग इस डिफरेंशिएशन को बोलते हैं चेन रूल। डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन ऑफ फंक्शन या उसको बोलेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन या उसको हम लोग बोलेंगे चेन रूल। तो जो बोलना है बोल सकते हो सब एक ही चीज़ है। अब पहली बात तो फंक्शन ऑफ फंक्शन हेडिंग है तो फंक्शन ऑफ फंक्शन क्या होता है उसको समझें। तो जब ये फंक्शन ऑफ फंक्शन क्या है इसको थोड़ा सा समझो बस। तो थोड़े दिन कष्ट है इस महीना का उसके बाद हम टाइम ये कर देंगे तुमको कोई दिक्कत नहीं होगा। फंक्शन ऑफ फंक्शन जो होता है जैसा कि नाम से मालूम है फंक्शन का फंक्शन। जैसे हम तुमसे पूछें कि fx ये किसका फंक्शन है x का फंक्शन ऑफ x ठीक है। x इसमें इनपुट है। अगर हम ये बोल दें कि f ऑफ g x ठीक तो ये g x का फंक्शन हो गया कि नहीं। f के अंदर कौन जा रहा है g x तो ये फंक्शन ऑफ फंक्शन। इसी को बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन ठीक है। कंपोजिट फंक्शन इन द सेंस अगर हम लोग एक से अधिक फंक्शन को मिला दें और जो रिजल्टिंग फंक्शन बनता है उसी को हम लोग कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं। तो जैसे यहाँ पे एफ ऑफ जी एक्स लिखा है वैसे कोई बोलेगा जी ऑफ एफ एक्स ये भी कंपोजिट फंक्शन है। जैसे बोलेगा कोई एफ ऑफ जी ऑफ एच एक्स इसमें एफ के अंदर जी जी के अंदर एच जा रहा है ठीक है तो इसको बोलेंगे हम लोग कंपोजिट फंक्शन। इस टाइप के फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन हम लोग अभी सीखते हैं ठीक है। दो चार लोगों को आ रहा है बाकी लोगों को नहीं आ रहा इसलिए हम पूरे बेसिक से जाएंगे क्योंकि सबको पढ़ाना मेरा धर्म है ठीक है। तो इसलिए कंपोजिट फंक्शन में हम लोग एकदम बेसिक से चलते हैं। फंक्शन के डिफरेंशिएशन में क्या बताए थे कि अगर एफ एक्स का डिफरेंशिएशन होता है तो एक्स के रिस्पेक्ट में होता है। अगर किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे हम तो कैसे डिफरेंशिएट होता है जो फंक्शन है उसका जो इनपुट है उसके रिस्पेक्ट में क्योंकि उसी पर डिपेंड करता है फंक्शन। तो जिस पर फंक्शन डिपेंड करता है डिफरेंशिएट करके हम लोग वही डिपेंडेंसी को घटाते हैं। जो चर्चा किए थे कि डिफरेंशिएशन अगर एफ एक्स का होता है तो क्या हो जाता है होता यह है कि जो एफ एक्स है वो जो पहले एक्स पे डिपेंड करता था उससे कम करेगा। आफ्टर डिफरेंशिएशन डिपेंडेंसी घट जाता है कोई दिक्कत है इसमें। तो हम लोग हमेशा फंक्शन को डिफरेंशिएट उसके इनपुट के रिस्पेक्ट में ही करते हैं। अगर हमारे पास ये आ जाए प्रॉब्लम कि डिफरेंशिएशन हमको इसका करना पड़े एफ ऑफ जी एक्स का तो यहाँ पे क्या दिख रहा है हमको इस f का डिफरेंशिएशन करना है जिसका इनपुट g x है। और कोई क्वेश्चन अगर कर ले कि x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए तो डायरेक्टली नहीं होगा क्योंकि इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया जा रहा है बोर्ड पे यहाँ पे और किसके रिस्पेक्ट में किया जा रहा है x के रिस्पेक्ट तो डायरेक्ट नहीं कर सकते। इसके लिए कुछ रूल है उसी को चेन रूल बोलते हैं वही चीज़ हम समझाएंगे। डायरेक्ट अलाउ ही नहीं करता है कि f ऑफ g x जो है कि उसका डिफरेंशिएशन हम x के रिस्पेक्ट में करते हैं मतलब ये डायरेक्ट अलाउ नहीं है। तो फिर क्या है देखते हैं उसको क्या है कि f ऑफ जी एक्स है और उसको अगर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है आपको तो डायरेक्ट ये रूल ही नहीं है इसीलिए हम लोग इस रूल को लाए हैं चेन रूल। चेन रूल क्या बोलता है कि पहले तो इस f का डिफरेंशिएशन इसके अंदर में जो है जी एक्स उसके रिस्पेक्ट में करो तो हम इसको तोड़ते हैं ये हो गया f ऑफ जी एक्स ठीक। और इसको हम x के रिस्पेक्ट में नहीं करके f का जो अंदर में जी एक्स है उसके रिस्पेक्ट में करते हैं डी जी एक्स अपने मन से कमीने कमीने का है कि तो ये जो एफ ऑफ जी एक्स है उसको हम लोग पहले इस जी एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे उसके बाद अगेन अब इस जी एक्स को ठीक है इसका जो एक्स है उसके रिस्पेक्ट में करेंगे। अब जैसे कोई हम तुमको ऐसे भी समझा सकते थे कि कहीं पे अगर एक्स बाय वाई लिखा हुआ है
तो उसको हम लोग ऐसे अपने मन से लिख सकते हैं x by z into z by y, क्योंकि ये दोनों तो कैंसिल ही होगा, तो बस तो इधर भी x by y, इधर भी x by y रहा, क्या LHS और RHS बराबर दिख रहे हैं यहाँ पे, दिख रहा है, यहाँ भी अगर तुम इसको गुना कर दोगे तो ये दोनों तो कट ही जाना, तो जो LHS में लिखा है वही लिखा है यहाँ पे LHS में। अगर हम तुमको ये नहीं समझाते कि देखो पहले फंक्शन x के रिस्पेक्ट में डायरेक्टली नहीं होता है तो भी तुम समझ जाते, तुमको हम ये बोलते कि जब भी ये डिफरेंशिएशन आए तो अपने मन से पहले ये नीचे और ऊपर इंटू कर देते, ठीक एक्स्ट्रा पार्ट, तो तुमको लगेगा हाँ बहुत अच्छी बात है, लेकिन अंदर की बात क्या है, अगर किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है तो उसको हम इनपुट के रिस्पेक्ट में करते हैं, ऐसा नहीं कि किसी के रिस्पेक्ट में करने के लिए चलते हैं। तो अगर f ऑफ g x का डिफरेंशिएशन पूछ लिया x के रिस्पेक्ट में तो नहीं होगा डायरेक्ट, इसके लिए एक रूल निकाल दिए कि f g x का डिफरेंशिएशन पहले g x के रिस्पेक्ट में करिए, कर दिए, उसके बाद इस g x को इस x के रिस्पेक्ट में अंदर जाते चले जाए, जैसे मान लो तीन लिखते हैं d f g h x, ये तीन हो गया, ये ब्रैकेट गिन के देना है ना, ऐसा नहीं कि कम ज़्यादा दे, ये आप कितने फंक्शन है मिला हुआ तीन, तो सबसे पहले तो डायरेक्ट एक्स के रिस्पेक्ट में नहीं होगा ये, तो सबसे पहले पहला वाला फंक्शन होगा एफ, तो फास्ट बाहर है तो एफ ऑफ सब ऊपर वाला तो हूबहू लिख दो एफ जी एच एक्स, ठीक, इसका डिफरेंशिएशन सबसे पहले किसके रिस्पेक्ट में होगा, एफ को छोड़ दो बाकी लिख, ये एफ वाला हटा दो, ये तीनों में डी ऑफ जी ऑफ एच एक्स, ठीक, पहले इसके रिस्पेक्ट में हुआ, तो दिक्कत ये जो एफ जी एच एक्स है उसको डिफरेंशिएट करना है, तो एफ का जो इनपुट है एफ के बाद वाला उसको नीचे रख देंगे, देन अब इसका हो गया एफ वाले का, अब जी वाला लिखो डी जी एच एक्स, एफ वाला का काम हटाया, जैसे काम होता है तो कैसे तुम लोग हटा देते हो आदमी को, ठीक है, उसी तरीके से जैसे इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया हटा दिया, अब हम जी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो जी का इनपुट कौन है उसको नीचे रखेंगे, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है, हम लोग डायरेक्ट भी बनाएंगे, नंबर मिलेगा तुमको चार में से दो 50% कट जाएगा, लेकिन जब पूरा रूल लिख के, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में अगर हम ये लिख दें कि सर आप तो जानते ही हैं सब कुछ, तो आपको क्या ऑब्वियसली आपको सारा आंसर पता है, तो मान लीजिए वही सही है, ऐसा नहीं है कि शॉर्ट नहीं कर सकते बोर्ड में, IIT नहीं, बोर्ड एग्जाम में हम लोग जितना डिटेल मार पूरा थ्योरी लिखना पड़ेगा तुमको, मैथ में भी नंबर लाना है तो रूल उसको बताना पड़ेगा कि हम इस रूल से इसको बनाए, बगल में लिखना पड़ेगा फिर इस रूल से बनाए, उसको सब आता है लेकिन बस वो नियम बना दिया नहीं, अंधा कानून में क्या चलता है, नियम है ये कि लिखोगे तो नंबर देंगे, भले तुमको आता है, ठीक है आता है तो अपने घर में आता है, ठीक है, तो अब जी का काम हो गया जी, तो जी का जब काम हो गया तो हटाओ उसको, अब जी के बाद कौन बच गया एच एक्स, और एच का इनपुट कौन है एक्स, बस तुम अगर इस तीनों को डायरेक्टली गुना करोगे ऐसे भी तो कट जाएगा कि नहीं, ये दोनों बच्चे का LHS वाला है, तो फंक्शन को कैसे तोड़ना है, सबसे पहले पहले वाले को हो गया काम, उसका सेकेंड, उसका थर्ड, तो 20 तोड़ेगा तो 20 बार तोड़ेगा, ठीक है, तो ये लिख लीजिए, फिर इसका क्वेश्चन कैसे करते हैं उसको देखते हैं, लिख लिए चलिए सर, ऊपर हटाते हैं, अब क्या है, जैसे आपको मान लो कि कोई क्वेश्चन इसका करना है मतलब, ठीक है आता तो है ही तुम लोगों को, लेकिन अगर हम थोड़ा सा सीखें तो क्या होगा, जैसे मान लो कि अगर कोई तुमसे पूछे कि डिफरेंशिएशन निकालना है लॉग ऑफ, ठीक है मान लो 3x एक्स के रिस्पेक्ट में, ये कोई पूछ रहा है इसका आंसर क्या होगा, लॉग एक्स नहीं है, लॉग एक्स का क्या होता है 1/3x, यहाँ पे क्या है लॉग 3x, बोर्ड एग्जाम में आता है, बिहार बोर्ड में तो आएगा ही, ठीक है मतलब दो नंबर वाले में आता है इसी टाइप का, दो तीन डिफरेंशिएशन लिखा रहेगा, ठीक है उसमें हम लोग क्या करेंगे, बोर्ड एग्जाम में जब आएगा तो लिखेंगे, जैसे अभी 2-3-5 मिनट के बाद बनाएंगे तो कितना डायरेक्ट आंसर आएगा, लेकिन लिखते आना चाहिए, इसलिए हम ये सिखा रहे हैं तुमको इसको बनाने के लिए कैसे सीखेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे इसको, सबसे पहले लॉग के इनपुट में तो 3x है लेकिन पूछ लिया x के रिस्पेक्ट में, तो डायरेक्ट आंसर ऐसा नहीं कि 1/3x बोल दिए उलट, ये हो जाएगा गलत,
अगर यहाँ x होता और यहाँ भी x होता तो 1 बाई x होता, अगर यहाँ 3x और यहाँ 3x लिख दें तो 1 बाई 3x, तो ये उल्टा पुल्टा है। इसलिए सबसे पहले डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम लॉग का, लॉग 3x का 3x के रिस्पेक्ट में। अब ये बना, अब लॉग का हो गया घटा, क्या बच गया, 3x बच गया, 3x का इनपुट है x। ये दो फंक्शन में ब्रेक, समझ लेंगे, ठीक है। अब लॉग का डिफरेंशिएशन हमको आता है, जैसे लॉग में कुछ भी है जो है, मान लो लॉग में ये x और नीचे अगर x है तो इसका डिफरेंशिएशन पलट जाएगा, इसने भी लिखवाए लॉग x का डिफरेंशिएशन 1 बाई x। तब जब लॉग का इनपुट और यहाँ सेम होता है, ऐसा नहीं कि अलग अलग हो, तो यहाँ डायरेक्ट लिख देंगे, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 बाई 3x, लॉग 3x का डिफरेंशिएशन 3x के रिस्पेक्ट 1 बाई 3x जो है उसको पलट दें, इंटू 3x का डिफरेंशिएशन क्या बताए थे, 3 नहीं बताए थे, 3x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 3 कांस्टेंट है और इस x का 1, दैट इज 3, तो ये 3 और 3 कट के आंसर क्या हो गया, 1 बाई x ही हो। लिखते चले जाएंगे फटाफट, एग्जाम्पल लेते हैं दो तीन, रूट एक्स का क्या होता है, 1 बाई 2 बोले थे ना, उसे याद रखने, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई 2 रूट एक्स, समझ रहे ना, ठीक है। दूसरा हम लिख देते हैं, हमको निकालना डी ऑफ साइन लॉग रूट एक्स, इसको डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, तो अपने से तोड़िए, तीन बार टूटेगा क्योंकि यहाँ तीन फंक्शन हमको दिखाई दे रहा है, इसीलिए तीन बार इनपुट करना करो। तो सबसे पहले तो साइन का होगा कि नहीं, बोर्ड एग्जाम के लिए लिखना है, ऐसे ऐसे डायरेक्ट बनाने के लिए कोई जरूरत नहीं है कि हम पूरा पूरा लिखें, कोई आंसर पूछ रहा है तो समझ गए तो डायरेक्ट बोलेंगे, ठीक है। लेकिन बोर्ड एग्जाम के लिए आज वो आया ना मोनू, दो तीन उनका मोनू आया कहाँ बैठा, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे पहले साइन का करोगे, पहले मतलब जो लिखा है पूरा का पूरा साइन लॉग रूट एक्स, इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, जो साइन के बाद है वो लिख दो डी ऑफ लॉग रूट एक्स, ये ऐसा लिख दिए, साइन का डिफ्रेंशिएशन साइन के बाद जो है वो नीचे आएगा, फिर साइन वाला का काम ही खत्म, हटाओ टेंशन उसको हटाओ, तो डिफरेंशिएशन ऑफ, अब बचा लॉग रूट एक्स, तो लॉग में जो है लॉग के बाद वो नीचे लिख दो रूट एक्स, और देन लॉग हट जाएगा, अब बचेगा क्या, रूट एक्स अकेला लास्ट, तो रूट किसका है, एक्स का है, हटाओ तो तीन ब्रैकेट जीरो टू ब्रैकेट मिस है, दे देना, ठीक है। अब हम समझ रहे धीरे धीरे, तो सब ब्रैकेट हटाएंगे, हमको क्या है कि हमको समझना है बोर्ड एग्जाम में अगर दो नंबर का क्वेश्चन आता है तो कैसे लिखना, तोड़ना कैसे, अगर बिना तोड़े बना दिए तो नंबर कटेगा, इसलिए फालतू बात है ये सब लिख रहे हैं, तुरंत अभी नहीं लिखने लग जाएंगे, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में अगर पूछा तो तोड़ के ही देंगे, बिना तोड़े डायरेक्ट नहीं बोलेंगे, इसका आंसर क्या होगा, कॉस, क्योंकि साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है। देखो साइन एंगल में अगर तुम ही बैठ जाओ, साइन तुम, इसका डिफरेंशिएशन होता है कॉस तुम, कोई दिक्कत नहीं, बस ध्यान ये देना है कि डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तुम के रिस्पेक्ट, जो साइन के अंदर है वो नीचे होना चाहिए, तो अगर साइन के नीचे लॉग एक्स है, लॉग रूट एक्स है साइन के अंदर, तो नीचे भी है, अगर यहाँ एक्स होता तो फॉर्मूला लगा ही नहीं पाते क्योंकि वो अलाउ ही नहीं, तो अलाउ तब होता है जब साइन का जो एंगल है वो नीचे है कि नहीं, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन पूछ ले कोई और यहाँ बोल दे एक्स, तो ये नहीं कि कॉस थीटा बोल दोगे, गलत हो जाएगा, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा कब होता है, जब यहाँ पे थीटा हो, जब ये थीटा यहाँ हो, जो साइन का एंगल है, समझना है बात, इसीलिए ये सब काम कर रहा है, ठीक है। अब हमको क्यों बन गया है एक्चुअल में फॉर्मूला, तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, जो साइन के अंदर में था वो इसके अंदर में भी लिख लीजिए लॉग रूट एक्स, ओके, पहला वाला डिफरेंशिएशन, फिर आया लॉग, तो लॉग का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन जो है लॉग के अंदर वो, बस ध्यान ये देना कि यहाँ जो है वहाँ होना चाहिए, है ही, इसीलिए ना तोड़ दिए हम लोग, चेन रूल इसीलिए बना रहे हैं, रूट एक्स का भी याद रखना है, ये आंसर हो गया, इस दोनों को इंटू भी करके लिख सकते हैं।
ठीक है फाइनल आंसर में, अगर हम लोग वन का एक स्टेप और लेने का तो वन बाई टू और एक्स रूट एक्स रूट एक्स एक्स और ये हो गया कॉस लॉग रूट एक्स। लंबाई भी बढ़ गया, ज़्यादा होगा बोलते हम लोग दूसरी को आधा पेज में घुमा देंगे, गैप भी दे देंगे, पेज भी गिनता ऐसे करके कितना नंबर है। ठीक है अभी ये बताओ खाली कि किसको नहीं आया, कोई कोई तो होंगे जो महान होंगे, अब महान बोलते तो पूछेगा नहीं तो उसको शर्म आएगा। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग डायरेक्ट कैसे करें, ऑब्जेक्टिव में कैसे करें, ये एक नंबर वाला क्वेश्चन है। या हम लोगों को अगर ये लिखने समझ में आ गया, जैसे ये है साइन, ये है लॉग, ये है रूट एक्स, इसी को हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट करना चाह रहे हैं और इसका आंसर लिखना चाह रहे हैं बिना कुछ किए। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है जिसमें फंक्शन ऑफ फंक्शन हो, मतलब एक से अधिक फंक्शन का मिश्रण हो, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, बाहर से ऐसे देखेंगे टॉर्च जला के, टॉर्च जलाते हैं अब कहाँ टॉर्च जलाते हैं, मोबाइल ही जलाते हैं, फ्लैश। ठीक है पहले जमाने में लोग सब टॉर्च रखता था गाँव में, भी कोई नहीं रखता ना रेडियो ना टॉर्च, सब खत्म भैया। ठीक है अब दो सब से रखेंगे और कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले इधर से टॉर्च जलाते हैं, फोकस करेंगे तो देखो इधर, सबसे पहले ऐसे यहाँ से देखोगे तो ये फंक्शन में क्या दिखेगा, साइन है ना, बाहर वाला दिखेगा, साइन के अंदर है ये, यहाँ पे अगर टॉर्च चलाओगे तुम तो सबसे पहले साइन दिखेगा ये वाला, तो उसी का डिफरेंशिएशन, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, जो अंदर में है वो लिख डाल, इसके अंदर में जो है वो लिख डाल लॉग रूट एक्स। अब इनटू, अब जैसे ही साइन का डिफरेंशिएशन कर दिए, मतलब वही बात है कि काम इसका हो गया, उसको हटा साइड कर दिया, साइन हटा दिए, अब फिर टॉर्च जला लॉग देखेगा, तो लॉग का डिफरेंशिएशन वन अपॉन जो लॉग के अंदर है वो नीचे आ जाएगा। अब लॉग का काम हो गया हटा, क्या बचा तो रूट एक्स का वन बाई टू, यही आंसर तो यहाँ भी आया नहीं आया क्या। तो हम लोग अगर हड़बड़ी में हैं तो कम से कम डायरेक्ट जरूर लिख देंगे, मतलब तो ऐसा नहीं कि अब लिखने में दिक्कत हो रहा है, डी है तोड़ने के लिए नहीं आ रहा है, हड़बड़ा गए हैं, तो आंसर तो लिख दोगे कॉपी में, 50% नंबर तो लाएंगे, मतलब सेकेंड डिवीजन तो करना ही है। ठीक है ये नहीं समझना सेकेंड डिवीजन के लिए प्रेडिक्ट करना, खाली क्लास में बैठो 180 नंबर तो लिखा रहता है, इसमें से जो अच्छे होंगे उसको 90 जाता है क्रॉस करेगा। ठीक है लेकिन अगर तुम मान लो कि रोज रोज कुछ तुम अंदर से बहाना मार रहे हो, बहाना ये होता है कि तुम खुद से पूछो कि जब तुम खुद बैठते हो पढ़ने के लिए तो दिमाग में कोई और तो नहीं आ जाता या कुछ और बात तो नहीं आ जाता, तो तुमको करना है वो सब मिनिमाइज, हमको नहीं करना, हम लोग तुमको समझाएंगे ना, जब हम 3 घंटे का शेड्यूल बनाए हैं पढ़ने के लिए तो 3 घंटा पढ़ लेते हैं, बहुत कम बच्चा उसमें से वो 1.5 घंटा मोबाइल चेक करता है व्हाट्सएप, बड़े बड़े पीस काम खेलने खेलने इस चक्कर जो कंट्रोल कर लिया वो तो फिर पढ़ते वक्त ना स्टेटस देखना है ना लगाना है, उसका भी फिक्स टाइम होना चाहिए, कभी देख लिए चलते फिरते। ठीक है तो यहाँ पे अगर मान लो डायरेक्ट हम पूछें तुमसे, ठीक किससे पूछें, तुमसे पूछें कि टेन, ठीक है उसके बाद साइन, उसके बाद लॉग, उसके बाद रूट टेक्स, ठीक है ये है फंक्शन कुल अनुराग। ठीक है सबसे पहले किसका डिफरेंशिएशन, टेन का, क्योंकि बाहर है वो, टॉर्च को टेन दिखेगा तो टेन का डिफरेंशिएशन क्या लिखोगे, sec स्क्वायर, टेन का याद होना चाहिए sec स्क्वायर, और जो है वो लिख दो साइन लॉग रूट एक्स, ये लिख दीजिए, सब एग्जांपल अपने कॉपी में लिख लेना इनटू। अब टेन का हो गया किस पे आएंगे, साइन का क्या होता है कॉस, और जो है इसके अंदर लिख लॉग रूट एक्स। ठीक है कॉस का हो गया, साइन का हो गया, तब क्या बचा लॉग, लॉग का क्या होता है वन बाय रूट एक्स, फिर लॉग का भी खत्म, और रूट एक्स का कौन सा टफ था बताओ तो जरा, कोई समझाओ टफ है, डायरेक्ट लिखने आ गया, घर में तुम जाके इसको तोड़ोगे मतलब तो वैसे लिखोगे अपने से, बुक में जो क्वेश्चन है उसको कर लेना है, बाकी ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, उसी में लगे हुए हैं, ऐसा कुछ 1000 क्वेश्चन करने को फायदा नहीं है।
इस टाइप का जी सब टप वाला करें मन नहीं लग रहा। अरे तुम्हें को बोल रहा दौड़ रहा हूँ हाँ लग रहा है सर क्या कीजिएगा आना पड़ गया जबरदस्ती आप खींच लीजिएगा नहीं तो जाकर इससे अच्छा हम अपने आ गए ठीक है ठीक है डिफरेंशिएशन को अब दो तीन लिखते हैं और तुम लोग हमको जो है कि अपने कॉपी में आंसर लिखना हम जिससे पूछेगा दिखा देगा अगर तेजी में लिखने आता है तो तोड़ के भी लिख सकते हो डायरेक्ट भी लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं। फाइंड डीवा पे डीएक्स पहला इसमें पहला मतलब डीवा पे डीएक्स पूछ रहा अगर वाई इक्वल टू हम ये दे दें कि 10 5x प्लस 9 पहला दूसरा अगर y इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है तीसरा अगर y इक्वल टू साइन क्यूब रूट एक्स है ठीक है तीसरा चौथा अगर y इक्वल टू साइन कॉस एक्स क्यूब है सबसे फर्स्ट वाले का क्या करेंगे अगर डायरेक्ट लिखना है तुमको डी वाई बाई डी एक्स फर्स्ट में तो अगर टॉर्च चलाएंगे तो क्या दिखेगा 10 सीधा सा बात है 10 का क्या हो जाएगा sec स्क्वायर 5x प्लस अब 10 को हटा दो ठीक ये हो गया पहला अब इस 10 को हटा दो क्या बचेगा 5x प्लस 9 5x का 5 9 का तो 0 ही होगा तो 5 इंटू sec स्क्वायर ये आंसर ये हो जाएगा 5 sec स्क्वायर 5x प्लस 9 ये आंसर डायरेक्ट ठीक है। लिखने की बात करोगे अगर लिखना है तो पहले 10 का फिर d ऑफ 10 नीचे में 5x प्लस 9 अगला में 5x प्लस 9 नीचे में x यहाँ पे दो फंक्शन है यहाँ कोई बच्चा तीन मत गिन लेना एक दो तीन ये जो प्लस वाला ये एक अलजेब्रिक फंक्शन अलग है एक ही फंक्शन है 5x अलग और 9 अलग नहीं लेना है ये तीन बार में टूटेगा दो बार में टूटेगा ठीक है। दूसरे में अगर बात करो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू निकालना है यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन गलत हुआ होगा कई लोगों का टॉर्च अगर इस पे मारोगे तो पहले रूट दिखेगा तो पहले रूट का 1/2 रूट जो है वो लिख दो रूट एक्स का क्या होता है 1/2 रूट एक्स तो रूट तुम का क्या होगा 1/2 रूट तुम समझ रहे ना बात क्या बोल रहा तो ये इस रूट का निकाल अब रूट हटा दोगे तो क्या बचेगा ये वाला एक्सप्रेशन बचेगा नहीं उसका करोगे जो रूट के अंदर है उसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर का 2x प्लस एक्स का 1 और उधर 1 का 0 ये आंसर होगा। जैसे मान लो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन अगर होता है तो पहले रूट का होता है क्या 1/2 रूट एक्स अब फिर इस एक्स का भी होता है जो 1 होता है इसलिए नहीं लिखते हैं अंदर में जो है उसका होगा बाद पहले रूट का हुआ फिर अंदर वाले का आंसर ठीक तो ये रूट वाला हो गया। अब जो थर्ड है उसमें उम्मीद करते हैं कि दिक्कत होगा क्या आंसर लाए थर्ड का ठीक है। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा अगर है इसका मतलब क्या होता है साइन थीटा का स्क्वायर साइन बीच में जो स्क्वायर है इसका मतलब ओवरऑल पूरे साइन पे स्क्वायर है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है थर्ड में ये वाला y इक्वल टू साइन क्यूब तो साइन रूट एक्स का क्यूब है ऐसा लिखा पहले इस ब्रैकेट को ठीक कर लो। यहाँ जो क्यूब है इसका मतलब ये टोटल पे क्यूब है ये नहीं कि साइन पे है इस पे नहीं समझ रहे बात को इसको इस पे अगर तुम टॉर्च जलाओगे तो पहले तो पावर ही दिख जाएगा ब्रैकेट में बंद है कोई चीज
और उसमें कुछ पावर है माथा पे, तो पहले तो उसी को दिखेगा वो। तो पहले किसका डिफ्रेंशिएशन होगा? पावर फंक्शन का। तो डी वाई बाई डी एक्स अगर निकालोगे तो सबसे फर्स्ट पावर वाला फॉर्मूला लगा दो। पावर वाला क्या फॉर्मूला होता है? एक्स पे पावर एन का क्या होता है? एन। तो वो थ्री पावर बाहर, अब साइन रूट एक्स पे पावर थ्री था, तो थ्री से कम हो जाएगा टू, एन माइनस वन। अब पावर का हो गया, पावर हटा दो, पावर हटाने के बाद अब क्या बचेगा? साइन रूट एक्स, ये बचेगा कि अंदर वाला। तो फिर साइन का डिफ्रेंसिएशन कॉस रूट एक्स, साइन को भी हटा दो तो रूट बचेगा वन बाई टू। ये आंसर। कोई दिक्कत है तो बोलिए मनीष, दिक्कत है? अबू हासिम, ठीक है, किसी को दिक्कत है तो बोलो। अच्छा, इसको कैसे लिखते सर? बोर्ड एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में अगर इसको हमको लिखना है तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, सबसे पहले हम लिखते डी जो फंक्शन है साइन रूट एक्स का क्यूब, और इसको किसके रिस्पेक्ट में? जिसपे पावर है साइन रूट एक्स, ए साइन रूट एक्स का क्यूब, नीचे साइन रूट एक्स। अब पावर का हो गया तो अब जिस पे पावर है उसका साइन रूट एक्स, साइन के बाद कौन है? रूट एक्स। अब साइन का हो गया, अब रूट एक्स का किस पे रूट है? एक्स। और देन इसके बाद ये स्टेप लिखते तो पूरे पूरे खत्म। चौथा वाला बना लिए होंगे तो आसान है। ये जो फोर्थ नंबर है इसमें अगर लिखोगे तो पहले साइन का कॉस जो अंदर है वो लिख दो, कॉस एक्स क्यूब, फिर ये साइन हटेगा तो कॉस का माइनस साइन एक्स क्यूब, कॉस का माइनस, फिर एक्स क्यूब का थ्री एक्स, ब्रैकेट ले लेंगे अगर माइनस है, नहीं तो ब्रैकेट नहीं लेना, पता चला इतना माइनस उतना लिखा, ब्रैकेट में तो इंटू हो गया, ठीक है, तो गलत हो जाएगा। ठीक है बिट्टू राजा, ये क्वेश्चन भी आता है इफ वाई इक्वल टू। देखो एक चीज है कि अगर मान लो तुमको कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि हम घर में नहीं पढ़ पा रहे सर, बहुत गलत आदत में लिप्त हो गए, काफी बच्चे होते हैं कि मान लो सर आदत हो गया है, नशा का आदत हो गया है, डायरेक्टली बात करें थोड़ा सा, ठीक है, काफी बच्चों को हो जाता है सर, कुछ कर ही नहीं पाते सर, मन ही नहीं लगता, ऐसा अगर आदत है तो तुमसे एक रिक्वेस्ट है कि तुम जो क्लास में हम बता रहे हैं वो ठीक से करो, बस इतना देर, 45 मिनट 50 मिनट अगर तुम ठीक से कर लेते हो रोज जितना दिन हम कराएं तो तुमको कहीं से दिक्कत नहीं होने वाला है, ये हम बोल रहे हैं, हर साल बोल रहे हैं। और अगर तुम गलत आदत को छोड़ पाओ और यहाँ के अलावा भी 2 घंटा दे पाओ कोई बात ही नहीं है, बदल जाएगा लाइफ, ठीक है। अब ये नहीं कि मतलब हम गलत आदत में लिप्त है, छूट ही नहीं रहा, होता है कई लोगों का, बर्दाश्त नहीं हो पाता, पापा को तो बोल नहीं पाता है तो पापा हम रोज सिगरेट पीते हैं, ठीक है, तो उससे मुश्किल है बोलना, लेकिन वो करता है, ठीक है। तो थोड़ा सा ये है कि इसको मिनिमाइज करते करते ख़त्म कीजिए, और अगर तुमको लगेगा कि नहीं ट्वेल्थ में रिजल्ट खराब हो जाएगा तो इज्जत भी गिरता है थोड़ा मोहल्ला में, लोग बोलता है यही है मतलब जाने का दिए थोड़ी है, तुमने इधर बोल रहा तो तुम ज्यादा नंबर लाओ होता है ऐसा, फेल कर जाओगे ना 12th एक ऐसा चीज है जो टफ नहीं होता, उसमें अगर फेल होता है तो बगल अगल वाला पूरा ये बोलता रहता है, अपने पिताजी को बोलता है, दूसरे को नहीं बोलेगा, बोलेगा हाँ आपका लड़का ठीक था लेकिन हम देख रहे थे एक आदमी उधर उधर कर रहा था, उनको लगा था जाएगा, अब उसको खराब लगेगा कि मोहल्ला वाला हमको तुमने कान पर सुना रहा है, सुनना भी पड़ जाएगा, फेल है क्या कर, उसमें थोड़ी लेकर बोलेंगे क्या है फेल है, ठीक है, फेल है तो एक आध लाइन सुनना पड़ेगा, और तुमको कौन सुनाएगा? रिलेटिव
जो तुम्हारा अपना है, ठीक है, उसको तुम डांट भी नहीं सकते, लिसन टूटेगा, लड़ नहीं सकते। इफ वाई इक्वल टू रूट अंडर वन प्लस साइन एक्स अपॉन वन माइनस साइन एक्स, ठीक है, देन प्रूव दैट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, प्रूव दैट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, sec x into sec x plus 10x। क्वेश्चन कीजिए। अच्छा, अगर हमको नहीं आता है कुछ तो हम लोग एक चीज तो पढ़े हैं कि ऊपर नीचे इंटू करके रूट हटाते हैं। जैसे ये y है तो इसको एक तरीका ये है कि पहले रूट का करो फिर अंदर करो, तो अंदर डिवीजन में है। इधर देखो ध्यान से, थोड़े देर बात कर लेते हैं। पहले रूट का टॉर्च जला के अगर करोगे तो टॉर्च जलाओगे पहले रूट दिखेगा, चलो वन बाई टू रूट, फिर अंदर में जैसे ही आ गए तो अंदर में तो डिवीजन में है। डिवीजन वाला फॉर्मूला हम अभी नहीं बताएंगे, पढ़े होंगे यू बाई वी का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, ठीक है, लेकिन उसमें फिर फंस जाना है। इसमें क्या कर सकते हैं हम कि सर पहले वाई को ही थोड़ा कुछ करके छोटा बनाते हैं। क्या करेंगे उसके लिए कि ये जो वन प्लस साइन एक्स है और अपॉन वन माइनस साइन एक्स है, तो ऊपर नीचे, नीचे माइनस वाला है तो प्लस वाला ऊपर नीचे, ये कर दिए कि नहीं। सेम चीज से तो ऊपर तो स्क्वायर हो जाएगा, सेम सेम स्क्वायर है तो स्क्वायर हट जाएगा कि नहीं ऊपर से, तो वन प्लस साइन एक्स, या चलो एक स्टेप और लिख देते हैं, ये स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये ए माइनस बी ए प्लस बी है, तो वन का स्क्वायर वन माइनस साइन अंडर रूट। अब ये y इक्वल टू आ गया वन प्लस साइन एक्स का स्क्वायर और नीचे है ये कॉस स्क्वायर और अंडर रूट, तो दोनों का स्क्वायर हट जाएगा कि नहीं, की बात, तो ये वन प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स, तो y इक्वल टू ये तो कल किए थे, ये वन बाय कॉस एक्स क्या होता है sec x और साइन बाय कॉस एक्स क्या होता है tan x, ये y निकला। अब ये नहीं किए थे क्या, इसको अगर करते हैं डिफ्रेंशिएट dy बाय dx तो sec x का क्या होता है sec x tan x, याद कर लो सर अभी बोलते रहे, tan x का क्या होता है sec स्क्वायर, sec को कॉमन कर लो, sec को अगर कॉमन करते हैं तो बच्चा का इसमें tan उसमें sec, तो sec x प्लस tan x, यही तो करना था आपको, नहीं बोलो किसी को दिक्कत है। दूसरा इसी टाइप का लिखते हैं, दूसरा है इफ वाई इक्वल टू रूट अंडर में ही है sec x माइनस वन अपॉन sec x प्लस वन, वाई इक्वल टू रूट अंडर में ही है sec x माइनस वन अपॉन sec x प्लस वन, देन प्रूव दैट, देन प्रूव दैट dy by dx equal to cosec x into cosec x minus cot x, सेम टाइप का है, ये दोनों में से एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो याद कर ले दो नंबर में dy by dx निकालने के लिए स्टेप मालूम ही है, पहले रूट हटाएंगे ऊपर नीचे इंटू करके, उसका ट्रिगो का एक फॉर्मूला आएगा, फिर उसका डिफरेंशिएशन आएगा, सेम स्टेप लेना है, ऊपर नीचे जो ऊपर है उससे इंटू कर दो, ऊपर sec x माइनस वन है कर दिए इंटू, अपनी बन जाएगा, बन गया ना।
ये है sec x माइनस वन sec x प्लस वन, ऊपर भी माइनस से और नीचे भी माइनस, ऊपर से रूट हट जाएगा कि नहीं, दो हो गया है और नीचे क्या बन जाएगा sec square x माइनस वन, ए प्लस बी ए माइनस बी है कि नहीं, तो sec square x माइनस वन क्या होता है tan square x, sec square x माइनस tan square x इक्वल टू वन, वन इधर लाओगे tan square उधर ले जाओगे, तो sec square x माइनस वन होगा, ये दोनों इनटू करने पर tan square x का रूट है तो क्या बचेगा tan, तो ये y हो गया, y हो गया sec by tan, sec by tan रफ में कर लो, sec को लिखोगे वन by cos और tan को लिखोगे sin by cos, cos cos उड़ जाएगा तो वन by sin क्या बचेगा cos x, तो sec by tan हो जाएगा cos x और वन by tan होता है cos, तो cos x का भी डिफरेंशिएशन याद है माइनस cos x cot x, ये माइनस cot x का होता है माइनस cos x स्क्वायर, जितना c में है सबका माइनस में होता है, माइनस माइनस प्लस cos x स्क्वायर x उसको पहले लिख दिए और इसको माइनस वाले को बाद सजा के लिख दिए, इसमें से कर लो cos x कॉमन, बचेगा यहाँ cos x और यहाँ बचेगा cot, बताओ ठीक है मनीष, एनसीईआरटी का जो है कि 5.2 कल बना लेना, ठीक है पूरा, आसान है, और उसके बाद ये हो गया डिफरेंशिएशन का स्टार्ट, पहले हम फॉर्मूला देख लिए, अब हम लोग जो डिफरेंशिएशन का अलग अलग रूल है उसको देख के उसका एक एक एक्सरसाइज है उसको बना लेंगे, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, आसान सा चीज़ है, तुरंत खत्म करेंगे देन तुरंत आगे बढ़ जाएंगे, डिफरेंशिएशन से इसलिए स्टार्ट किए कि अगर ये नहीं आता है किसी को तो बेकार है, तब नहीं ये डिफरेंशिएशन सीखना है उसके बाद ही आगे का जो भी चीज़ है, इसलिए यहाँ से स्टार्ट किए, ठीक है।